मैंने कहा आपको स्टोरी बिता दूँ, आप कहेंगे इतना तैयार है अभी मेकअप तो मैं उतारने नहीं। फ्रेंड आप सब लोग कैसे, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, हम फिर फैट मत में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स पता नहीं क्यों अपना इंट्रो भूलती जा रही हूँ, मैं सोची कुछ नया इंट्रो लाए। इफ दिस इज पॉसिबल विल लेट यू नो। एंड वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सादा सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम। पी रहे हैं चाय विद, पी रहे हैं चाय विद रसम, खा रहे हैं चाय विद रस। एंड ऑब्वियसली आज क्या हो रहा है अम्मा, व्हाट इज हैपनिंग टुडे? हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा, आई शुड कट दिस और नॉट? नो। हेलो जी, हेलो जी, मुझे जब भी तुम बुलाती हो मैं उस टाइम बिजी होती हूँ, हमेशा आप किस चीज में बिजी हैं अभी? हाँ, अपना फ्यूचर को आप साइड पर रख देंगी। एंड योर फ्रेंड्स, व्हाई वी आर फाइटिंग अर्ली अर्ली? दिस इज नॉट सो अर्ली फ्रेंड, दिस इज फाइटिंग है। फिर तुमने फाइटिंग फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड उसके बाद क्या हुआ अम्मा? उसके बाद कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। एंड अभी ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर हुई है, 1 घंटा हुआ होगा, 1.5 घंटा हुआ होगा, और मुझे डिनर का मैं सोच रही हूँ। अम्मा क्या पकने वाला डिनर में? मैं सोच रही हूँ आज के फ्रेंड्स हम देसी बनाए, बड़े दिन हो गए हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं है अम्मा। और आज है फ्रेंड्स बारात का फंक्शन जिस पे हम नहीं जा रहे हैं, कज मामा की भी तबीयत ठीक नहीं है, जेजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मामा की तो, जेजी की तो पहले तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मामा की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है और बाजुओं में भी। आप टीका लगवाना चाहेंगी? ओके फ्रेंड, इंजेक्शन लगवाएंगे मामा को। अल्लाह, जेजी ने भी इतनी प्यारी चीज़ की है ना, जो मेरे स्लीपर्स है ना, कारपेट स्लीपर्स, इसके अंदर अपने खिलौने वाले 4 ग्लास घुसा के अंदर इतने अच्छे से सेट किए थे ना। अंदर ग्लास डालो, वो पड़े हैं, डालो अंदर, जल्दी डालते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैं डिनर में सोची हम कुछ दाल चावल या खिचड़ी कुछ ऐसा बनाए है अम्मा। अम्मा आपकी क्या राय है इस पे? ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? अगर कुछ इनमें से बना आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ, घुसा लिए अंदर फ्रेंड्स, दो बस आगे फ्रेंड, जिससे 3 घुसाए थे, ये देखिए अंदर एक और भी पूरा आ जाएगा इजीली, ये देखे बहुत सारी फेस है, घुसाएगा और ये नहीं काफी घुसाओ, वो उसके अंदर है, मटके के अंदर। थोड़े से टॉयज निकाल के दिए आज, क्योंकि फिर जेजी को सारे निकाल दो, जेजी को समझ नहीं आती कि मैं किससे खेलूं, तो जेजी को 3-4 निकाल दिए, अब उनसे खेल रहा है ना। लस्सी पी लो, लस्सी पी लो, अल्लाह तुम कितने भी आ रहे हो जेजी। मामा पीछे एक गाना बोल रही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, व्हाट इज दिस? मैंने कभी भी ये गाना नहीं सुना, और व्हाट इज दिस? मुझे तो मामा कह रही है असी तुसी, यानी तुम और मैं और लस्सी तो लस्सी आगे आ गया पीसी। ओके फ्रेंड, पीसी पी पी, अल्लाह व्हाट इज दिस सॉन्ग, किसने बनाया ये गाना, कौन है ये लोग जिन्होंने ये गाना? पीसी फ्रेंड, पीसी होटल बनेगा। मैंने मामा को बना दिया था ऑमलेट, ये आप देख रहे होंगे नीचे रैपर है, क्योंकि फ्राई अंडे वाली प्लेट थी और बड़ी प्लेट धोने वाली थी, एक और है आती पर उसमें मैंने अपना पिज्जा रखा था, और मामा ने कहा मुझे इसी प्लेट में रख दो, साथ ही स्लाइस। हमारे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, लड्डू पीठी समथिंग, तो वो मामा ने कहा ट्राई कर ही ले, रोज़ आता है ये, पता नहीं क्या है। तो मामा ने, मामा को इतना अच्छा लगा कि मामा ने खा भी लिया। ये कुछ ऐसे फ्रेंड टिक्की टाइप थी अंदर, और सारा चटनी चटनी थी, लाहौर की ये बड़ी मशहूर है लड्डू पीठी। हाउ वाज इट? एक बार पहले भी मैंने खाया था, वो ज़्यादा मज़े का था फ्रेंड, मुझे नहीं अच्छा लगा, ऐसे जैसे दाने दाने टाइप। समझ नहीं आ रही मुझे कि वो बेच क्या रहा है, बाद मुझे समझ आई है कि वो ये लड्डू पीठी बेच रहा था। मुझे लगा कहता था फ्रेंड रोज आलू टिक्की, आलू टिक्की, आलू लड्डू कुछ ऐसे कह रहा था। लड्डू पीठी इधर आओ, ये देखे आलू, मुझे लगता था कुछ खाता है वो रोज़, पर आप मामा को पता चल गया। और फ्रेंड मुझे लगता है मैंने 50 रुपीज़ दी हैं उसको, उसने 10 रुपीज़ मुझे वापस किए हैं, 40 का कभी भी नहीं था, उसने मुझे लूट लिया। मैंने पहले पूछा नहीं ना कि कितने का। आप लोग और में रहते हैं या आप जिस चीज़ एरिया में रहते हैं बताएंगे ये कितने का? उस दिन हम लोग वो ऑफिस गए। और फ्रेंड ये देखें कोली कितनी थी, ये छोटी सी कोली थी ना, जब
तो वो उसके बाहर लगे हुए थे, बहुत दिल का था गरम गरम, ऊपर सलाद दे रहे थे, ये वो है। वो सामने वो जो लगे हुए थे, मैंने कहा पता नहीं आलू की टिकिया साथ बन ना कुछ बन टाइप बन नहीं थे, बन भी पड़े थे, बन भी पड़े थे। मैंने कहा जैसे वहाँ इंडिया में होता है पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी नहीं, कितना प्यारा कुछ होता है, आलू की टिक्की होती है, देखो जरा अल्लाह, आलू की टिक्की होती है, उन्होंने बन के अंदर रखी होती है, हरी चटनी होती है, राइट चटनी होती है, मुझे लगा वो बेच रहा है। पाकिस्तान में भी आ गया अब तो हर चीज इंडिया वाली पाकिस्तानी चीजें होंगी। अम्मा मुझे नहीं पसंद आया था फ्रेंड, बस उसकी हरी चटनी कह रही, कोकोनट चटनी मजे की थी। आप कह रहे हैं हाली कोली दिखाई जा रही है फ्रेंड। यहाँ पे मैं अपने बना रही हूँ पिज्जा एंड आपको बना के सारा दिखाती हूँ। ये कल बना था, हाँ कल का थोड़ा सा चिकन बचा हुआ है, मैं इसको दो पिज्जाज में, ये मिनी पिज्जाज है आप देख सकते हैं कितना मिनी है फ्रेंड। साथ में मैं डालूंगी इसमें ऑलिव्स एंड मोजरेला चेडर, दोनों चीज़, ये वाली चेडर है, ये वाली मोजरेला, मोजरेला खत्म हो रही है। ये पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड, लड्डू, लड्डू क्या है, लड्डू पीठी, आलू, पता नहीं क्या तीसरा वर्ड पता नहीं अभी तक समझ में, इसलिए मुझे लग रहा था आलू पीठी कुछ, आलू टिक्की कुछ। सीन्स हैं कि ये वाला पिज्जा जो है मेरा, मुझे लग रहा था कि सही से मेल्ट नहीं होगा, मैंने इसको फोल्ड कर दिया और अभी इसका पता नहीं क्या सीन हो रहा, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इसके साथ, जल ना जाए बस और अच्छे से मेल्ट हो जाए अंदर से। ये वाला फ्रेंड जिसके पर मेरे पास ढक्कन नहीं था, और एक परात रख दिए मैंने, और ये अंदर से जल तो नहीं गया जितना ये गर्म हो गया, साथ ऊपर ये रख दिए ताकि वजन भी हो, पर पाकिस्तानी जुगाड़ देख सकते हैं, चूल्हा बिल्कुल स्लो है दोनों, अल्लाह करे ना जले, पर मोस्टली आपको पता मेरी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जल जाती हैं। लाइट सी टिक टिक आवाज़ें आनी, मुझे लगता है चीज़ मेल्ट हो गया ना साइडों से गिर रही है। पिज्जा जो जिसका डर था वही हुआ, नीचे से जल चुका है एंड दिस वन फाइन। अब मैं खाती हूँ, धन फ्रेंड मैं थोड़ी सी दुखी हो गई हूँ, जिस इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। पिज्जा खा लिया एंड थोड़ा सा मैंने मामा के साथ शेयर किया क्योंकि मुझे खाया नहीं जा रहा था एंड केचप वाज टू मच, इसलिए सारी चीज़ें बाई स्लिप हो रही थी, है ना। डेमी खाएँ आ जाओ फ्रेंड जी, इसका पता नहीं कि उस रैप स्लिप ही हो गया, तो मैं इसको सीधा से खोलती हूँ, मामा से ना खुला ना मुझे। जी का डेयर मिल जा रही है, मैंने भी अपनी खा लिया एंड मामा को भी दे दिया, और जैसे अब चल फिर के बकाया वाली डेयरी मिल्क ढूंढ रहा कि कहाँ छुपाई जा रही है, क्या इसके पास ही है, मैं इसके पास नहीं है। स्टैंड मैंने हाली कर दिया, जो चीज़ें यहाँ की थी यहाँ पे रख दी, ये बस मैंने अलमारी में रखना और ये सॉक्स मैंने दोनों वाली रखनी है। ओ इसको मैंने जो पीछे पड़ा इसको पिन करना, अब वो गिर गया, इसको उठा लेती हूँ एंड मैंने मामा को बना दी है चाय एंड थोड़ा सा गंद है, ये दीदी के टॉयज हैं एंड चदरा से ही करूँगी यार, सारा डन हो जाएगा। मामा को मैंने बना दी है टी, हाउ इट इज लुकिंग, नॉट बैड एंड इस दूध की मैं ऐसी बना सकती हूँ, ये हमारा गोल में का जो पैक वाला दूध होता है आपने देखा होगा, यू लाइक द टेस्ट ऑफ मिल्क फ्रेंड्स, आई डिडंट लाइक द टेस्ट मच। ये देखिए मैंने कैसे रख दिया मेरी अलमारी फ्रेंड्स, कपड़े इतने हैं कि इस तरह ही रख सकते हैं, फेंकेगा बाहर, नहीं 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 फ्रेंड्स। बॉइल हो रहा है मिल्क, इसमें पहले भी वही वाला मिल्क था, उसी में ही मैंने ख़त्म हो गया था दूसरा पैकेट डाला एंड बॉयल होना रख दिया इसको, और इधर बनाई है मैंने चाय, इसका रैपर अब मैंने बिन कर दिया वरना मैं आपके साथ शेयर करती, यहाँ पर शायद आपको साथ पिक्चर नज़र आ जाए क्योंकि गूगल पे मिल सकती है मुझे। ये दूध फ्रेंड हम एक दो पैक लाए थे, मामा को तो अच्छा लगा, मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, तो अब क्या आपका फैसला मैम? अभी फिलहाल डिपेंड में है, कुछ भी प्लानिंग नहीं करती कि हम मॉल पर यूज़ करेंगे या गोरमे का दूध यूज़ करेंगे या नूपुर यूज़ करेंगे, जेजी के लिए नीडो यूज़ करेंगे फ्रेंड। जब हम जेजी को नीडो नहीं दे रहे थे उससे पहले हम मॉल पर दे रहे थे, फिर उसके बाद ये वाला गोरमे का भी जेजी पी रहा, पता नहीं अब क्या, लट सी जो भी होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा एंड या जी अपने ग्लासेस लेके आके यहाँ पे रख रहे हैं, मामा को कह रहे हैं मुझे चाय डाल के दो, मामा कह रही है गम है, ये देखें कैसे धक्के दे रहा था मामा को भी, टेबल इसने सारा इधर पहुँचा दिया कोने में था, ऐसे दोनों ग्लास रख दिए थे इसने ला के कि मामा इसमें मुझे चाय डाल दो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। पूरा वो सीन कर रहे जैसे हम बचपन में, मैंने तो बस आपको पहले भी बताया था इतना नहीं खेला, खेलो इन बर्तनों से स्पेशली, तो गिर जानी है चाय, ये देखें टेबल आगे पीछे कर रहा है तो चाय गिर जानी है,
बच्चे मैंने देखा पानी डाल के चीजें डाल के खेलते थे और जैसी वही सेम चीज कर रहा है हनु जैसी ने किसी को उस दिन आपने इसको चाय डाल के इसमें दी थी ना फ्रेंड्स, मामा ने वो दूसरा कप था प्यारा वाला उसमें इसको चाय डाल के दी थी, ऐवे ही नहीं मैं कहूँ इसने कहाँ से देख लिया, पर इसने किसी और को भी देखा थोड़े दिन पहले, उसने पानी डाला था। बड़ी जानकारी की बात बताने वाली, आपने दूध को देखते रहना तब तक बाहर नहीं आएगा, जैसे ही आप अंदर आएंगे दूध उबल जाएगा तो आप बाहर ही खड़े रहेंगे। मैं और अंदर आती ना इसने उबल जाना था, अब मैं यहाँ खड़ी रहूंगी आधा घंटा भी खड़ी रहूंगी, इसको बॉयल नहीं आना। सोचेंगे इतनी तैयार हुई भी हम ना फ्रेंड्स, एकदम से इतनी तैयार कैसे, मामा का फोन पकड़ा लूँ, देन आई विल टेल यू गाइस द स्टोरी। आज थी बारात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम शादी पर नहीं जा रहे, आज है फ्रेंड्स बारात का फंक्शन जिस पे हम नहीं जा रहे हैं, कज मामा की भी तबीयत ठीक नहीं है, जेजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर सम इशूज ये थे कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ पर लाइट अच्छी नहीं आ रही, यहाँ पर लाइट अच्छी आ रही है, तो मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। मामा की फ्रेंड जब बारात वहाँ पे हो गई वो फिर इतना हम यानी नहीं गए, पर जब बारात आ गई घर पे तो मामा की फ्रेंड आई, वो शी वॉज लाइक नहीं आप रौनक लगाए आए आप भी मज़ा आएगा, तो जब वो घर आ गए तैन हम तैयार, इतना बारात के लिए ऑब्वियसली इतना इतना कम तैयार नहीं होना था, तो फिर हम ऐसे ही घर उनके तैयार होकर गए थे। अभी तकरीबन घंटा हुआ होगा, अम्मा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा हम बैठे हैं एंड वी आर बैक। एंड मैंने कहा आपको स्टोरी बता दूँ, आप कहेंगे इतना तैयार, अभी मेकअप तो मैं उतारने नहीं वाली, एकदम कपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि मेरे आयरन हुए हैं, एंड मामा गोना शो यू गाइस माय लुक, मामा ने चेंज भी कर लिया, एंड मामा आप मेरी लुक भी खाने वाली हैं, एंड आई फाइनली वोर माई शूज, न्यू शूज, फ्री शूज, एंड मेरे शूज की वजह से मेरी सारी लुक निकली आई फील, एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट माय शूज, I was looking at them, they are looking at me. And I'm loving my look. फ्रेंड फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे होने वाला है कि मैं कपड़े उतार के हैंग कर देने वाली हूँ क्योंकि मुझे लुक काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो आई एम गोना वेयर दिस सून इंशाल्लाह अगेन, और फिर आपके साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर होंगी। नींद आई हुई है, जेजी ने पहनी हुई थी शलवार कमीज स्किन कलर की एंड हिज वे क्या बोलेंगे इसको, पकोल एंड दिस क्या बोलते हैं हम इसको, वेस्ट कोट, या बड़ा क्यूट लग रहा था, और मैंने वहाँ पे पता नहीं क्यों कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, जल्दी की भी मामा कह रही है लोग कहेंगे दिस इज अ यू नो स्टोरी टाइप ऑफ थिंग, बट हम क्या जरूरत है झूठ बोलने की, हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की। वीडियो को एडिट करी थी और मैंने एंड नहीं किया वीडियो का, तो मैंने सोचा एंड कर लूँ। ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।